Hello everyone, welcome to SRIRAM's IAS YouTube channel. This is your mentor Aarzoo Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम कवर करेंगे ये आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. I'll give you a brief about basically index what we will be doing today so that you stay connected whole throughout the session and you have an idea in your mind also कि जो आप टाइम यहाँ पर लगा रहे हो 25-30 मिनट्स तो उसमें आप कौन कौन से आर्टिकल्स आज कवर करोगे. मैं पहले ही बता देती हूँ ये जो आर्टिकल्स आपके सामने हैं चाहे वो हाई सी ट्रीटी के बारे में हो चाहे वो न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में हो या आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से है. सो बेसिकली इफ यू वांट टू गो स्टेप डीप इनटू इट और अगर देखो हम जब भी यूएन हाई सी ट्रीटी न्यूज में आई थी पहले फॉर द फर्स्ट टाइम तब हमने इसको इन डिटेल कवर किया है. अभी न्यूट्रिशन रिपोर्ट क्या कहती है, ये अलायंस किस लिए है, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, इसमें कौन 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 सी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. न्यूट्रिशन रिपोर्ट को आप अपने हेल्थ डोमेन से लिंक कर सकते हो, पेपर टू में ऐड कर सकते हो. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ओथ के साथ साथ ये चीज जो है वापस से आप बोल सकते हैं कि इट इज इन न्यूज नाउ, क्योंकि काफी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो स्पेशल इनविटीज रही हैं एंड दे अटेंडेड द सेरेमनी. तो हम यहाँ पर हमारे नेबरहुड फर्स्ट के बारे में बात करेंगे. आई टेक दिस आर्टिकल इन द एंड, पहले हम बाकी आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं. और जैसे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये आपके हेल्थ डोमेन से लिंक करता है, प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ईजी हो जाएगा. तो जब इसके बारे में बात करेंगे, जैसे जब हम हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम पे जो पूरा पहले क्या प्रोसेस होता था, अब क्या प्रोसेस होता है इंश्योरेंस लेने के बाद, जब आप हॉस्पिटल जाते हो उसको क्लेम करते हो तो वो प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है. तो चीज़ों को स्मूथ करने के लिए और ईजी करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए ये सारा बेसिकली वी हैव दिस एक्सचेंज. यूएन हाई सी ट्रीटी क्या कहती है, न्यूट्रिशन रिपोर्ट, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड दिस नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये आज के आर्टिकल्स रहने वाले हैं. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, यू कैन डू दैट बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, डू गिव इट अ थम्स अप साइन. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, जैसे ही कोई भी सेशन आता है तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर दैट ऑल्सो. एंड मार्क योर अटेंडेंस, मैंने कह ही दिया है, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करें. एंड जैसे आपने फीडबैक्स अभी तक दिए हैं मेंशनिंग की आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल. चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन. ग्रेथिल एगुलर द डायरेक्टर जनरल ऑफ IUCN अर्ज द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड टू स्ट्राइव फॉर अ फुल्ली फंक्शनल हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी ऑन वर्ल्ड ओशंस डे 2024. कब होता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ये तो सिंपल सा है, नो रॉकेट साइंस, वर्ल्ड ओशंस डे कब होता है. रही बात यूएन हाई सी ट्रीटी की, व्हाट इट इज, ऐसा नहीं है ये बहुत पुरानी है, 2023 में ही इट वाज अडॉप्टेड. इसको इट इज आल्सो नोन एज एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन. तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है जो किसी कंट्रीज के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है उसको प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है, उस पर ध्यान देना है, राइट. सो इट वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस 2023 के अंदर और जो एरिया जैसे आपका नेशनल बॉर्डर है उसके बाहर चला जाता है, तो आप उसको उस मैराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर, देयर यू हैव दिस यूएन हाई सीज ट्रीटी. तो देखो हाई सीज, आपके लिए आज एक होमवर्क देती हूं आपको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक एक्सटेंड करता है ये आपको पता होना चाहिए, कितने नॉटिकल माइल्स तक, और उसके बाद क्या हाई सी शुरू हो जाता है. ये थोड़ा सा जस्ट हैव रिसर्च, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके लिख देना, एक मैप पिक्चर आएगी आपके सामने, आपको उसी पे समझ आ जाएगा, अच्छा इतना नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर है, इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके आगे बियॉन्ड दैट क्या हाई सी है. तो वो पार्ट ऑफ द ओशन, मैं लेमन टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो ओशन का वो पार्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, पॉइंट ऑफ टाइम एज इन एक बाउंड्री के बाद, एक लेवल के बाद, एक मार्क के बाद, दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी वन कंट्री. एंड दैट थिंग इन इट सेल्फ मेक अप नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन. और वो जो हाई सी है इट इज होम टू मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ.
लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी लेस देन 2% ऑफ दीज एरियाज आर करंटली प्रोटेक्टेड बाय लॉ. ठीक है, सो आर दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ओशन दैट आर आउटसाइड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ ह्यूज चंक ऑफ द वर्ल्ड ओशन, होम टू वाइड वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड डिस्पाइट दिस लेस देन 2% ऑफ द वर्ल्ड हाई सी आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ. अभी तक 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है. ये कंट्रीज के नाम है जैसे सेशेल्स, मॉरिशियस, मोनाको, स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, तो ये 7 कंट्रीज के नाम है. अब ये कह रहे हैं ये ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ तब बनेगी जब ये साइन और रेटिफाई हो जाएंगे बाय एटलीस्ट 60 कंट्रीज. इंडिया ने अभी ना तो साइन किया है ना ही ट्रीटी को रेटिफाई किया है. ठीक है जी, इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये ट्रीटी क्या कहती है, चार पांच बातें हैं, 4 to 5. फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, इसका मकसद है, बेसिकली द गोल इज टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड सी बाय 2030. कैसे? बाय क्रिएटिंग लार्ज एरियाज वेयर मेराइन लाइफ इज कंजर्व, ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड. तो एस्टेब्लिशिंग मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, जिससे कि आप 30% ऑफ द लैंड एंड सी को कंजर्व करोगे बाय 2030. देन यू हैव शेयरिंग बेनिफिट्स, मतलब ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करो, सेट अप अ सिस्टम फॉर शेयरिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग मेराइन जेनेटिक मटीरियल्स. जैसे आप मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है. सो कंट्रीज को आपस में यू नीड टू एनकरेज द शेयरिंग ऑफ मेराइन रिलेटेड, मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. यू नीड टू एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स टू असेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज इन द हाई सीज, ताकि आप मेराइन इकोसिस्टम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसको रिड्यूस कर सके, तो उसकी प्रॉपर असेसमेंट हो. एंड उस असेसमेंट के लिए यू नीड टू फ्रेम क्लियर रूल्स. देन वॉट एल्स? देन इट सेज दैट रिक्वायरिंग फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम इंडिजीनियस कम्युनिटीज फॉर एक्सेसिंग मेराइन रिसोर्सेज. सो इंडिजीनियस कम्युनिटीज, इट इज रिक्वायर्ड दैट दीज कम्युनिटीज गिव देयर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर एक्सेसिंग मराइन रिसोर्सेज इन द एरियाज दे ट्रेडिशनली यूज्ड. एक ये भी इसमें एक पॉइंट आ जाता है. एंड लास्ट, सेटिंग अप अ क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज अमंग द पार्टीज. सो वही है, क्रिएट सच अ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फ्रेमवर्क, अ सिस्टम फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेज अमंग द कंट्रीज, ताकि आप ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिवली हो एंड यू एनहैंस द कॉपरेशन एज वेल. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में है. ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है. ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है द सीवियर इशू ऑफ फूड पॉवर्टी दैट इज अफेक्टिंग 1 in 4 यंग चिल्ड्रन ग्लोबली. ये मतलब स्टेटस, ट्रेंड, कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उस पर फोकस करता है, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है न्यूट्रिशन, सॉरी दिस फूड पॉवर्टी, वो बताता है. सो 1 in 4 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 अराउंड द वर्ल्ड दे आर एक्सपीरियंसिंग सीवियर फूड पॉवर्टी. अपने हेल्थ डोमेन से इसको लिंक कर सकते हो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशनड. हाँ, तो ये सिंपल, पहले तो यूनिसेफ के द्वारा ये रिलीज करी जाती है रिपोर्ट. ये एग्जामिन करती है द स्टेटस ऑफ फूड पॉवर्टी, ट्रेंड्स इन इट, इनइक्विटीज, ड्राइवर्स ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी, क्या कारण रहते हैं, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट, न्यूट्रिशनल क्राइसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो. ठीक है, डिफरेंस इन चाइल्ड पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स एंड रीजन्स, व्हाट कॉजेज चाइल्ड फूड पॉवर्टी, दीज ऑल थिंग्स इट कवर्स. इट फोकसेस ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. चाइल्ड फूड पॉवर्टी से ऑब्वियसली अंडर न्यूट्रिशन, इट विल लीड टू पुअर डेवलपमेंट होगी बच्चे के अंदर, तो ये तो होगा. यूनिसेफ के हिसाब से मतलब चिल्ड्रन आर अनेबल टू
एक्सेस एंड ईट अ न्यूट्रिशियस एंड वेरिड डाइट ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ. शुरू के 5 साल के अंदर बच्चे जो हैं वो एक अच्छी डाइट जो है अपने शुरू के जो 5 साल होते हैं बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एज में होता है उसको एक डाइवर्स और एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत जरूरी है. लेकिन चाइल्ड फूड पॉवर्टी के चलते बच्चे आर अनेबल टू एक्सेस इट एंड कंज्यूम इट. नाउ व्हाट आर दी हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, लेट्स टॉक अबाउट इट. ये रिपोर्ट दिखाती है दैट अ लॉट ऑफ यंग किड्स अबाउट 1 in 4 अंडर द एज ऑफ 5 दे डोंट हैव एनफ फूड टू ईट. दे आर एट रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है फॉर देयर हेल्थ एंड इवन फॉर देयर लाइव्स एज वेल. मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन वो कहां से हैं? साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका एंड अबाउट 20 countries हैव मोस्ट ऑफ देम. मतलब ये बता रहे हैं कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज दे आर फोकसिंग ऑन सर्टेन एरियाज राइट. सो ओवर 2/3 ऑफ 121 million यंग चिल्ड्रन लिविंग इन सीवियर फूड पॉवर्टी वो रहते हैं साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका के अंदर विद 20 countries जो है इनमें से दे आर अकाउंटिंग 65% ऑफ द चिल्ड्रन वो आर लिविंग इन दिस फूड पॉवर्टी. वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडिया ऑल्सो, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, तो ये कुछ कंट्रीज हैं. ये रिपोर्ट कहती है दैट चिल्ड्रन इन बोथ पुअर एंड नॉन पुअर हाउसहोल्ड्स फेस सीवियर फूड पॉवर्टी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब इंपॉर्टेंट एज इन सरप्राइजिंग पॉइंट कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो गरीब फैमिलीज हैं दे आर स्ट्रगलिंग. इवन इन द हाउसहोल्ड्स दैट आर नॉट कंसीडर्ड पुअर मेनी चिल्ड्रन आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम राइट. सो नियरली हाफ ऑफ द किड्स हु आर एक्सपीरियंसिंग दिस they come from middle and upper income families. This means that the issue of not having enough food is affecting children from various economic backgrounds. और एक तो हमारे lifestyle भी change हो गए जब हम बात करते हैं rich families की भी, तो lifestyle change होना, food habits change हो जाना, that is also one point. बाकी तो देर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स एज वेल जब हम फूड पॉवर्टी की बात करते हैं, नॉट एनफ फूड टू ईट एज वेल जब हम गरीब घर की बात करते हैं. बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, हाल ही में इट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन सैन डिएगो ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन. तो ये अलायंस इनॉग्रेट किया गया. ये अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं पहले तो मैं इस अलायंस के बारे में बाद में बात करूंगी. अब अलायंस है तो पहले कंट्रीज देख लो कौन सी हैं. इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन. इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए एंड ईयू, ठीक है जी. अब ये अलायंस किस लिए है कि सब साथ में मिलकर यू पुट एफर्ट्स इन टू बिल्डिंग अ रिजिलियंट सप्लाई चेन इन दी बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर. जैसे हमने COVID-19 में देखा कितनी इस सप्लाई रिजिलियंट सप्लाई चेन की जरूरत रही है राइट. तो ये जो अलायंस है इसका मकसद क्या है? Where countries will strengthen the supply chain in the biopharmaceutical sector. They'll make sure medicines, medical products, they are reliably produced, they are available also. Ab iske andar countries have agreed to work together on few important things. Pehle to, they'll align their rules and support for biopharmaceutical research and development. Matlab they'll try to make it easier for companies to develop new medicines and treatments. बायो पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिलायबल सप्लाई चेन हो एंड सपोर्ट मेजर्स. रिलायबल सप्लाई चेन मतलब देखो कुछ कंट्रीज होती हैं दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मटीरियल फॉर मेकिंग द मेडिसिन. सो एक यू नीड टू क्रिएट अ डिटेल्ड मैप ऑफ हाउ दीज मटीरियल्स विल मूव अराउंड द वर्ल्ड. सिंपल लैंग्वेज मतलब यू मेक श्योर कि देर आर बैकअप्स एंड अल्टरनेटिव्स ऑल्सो वेन समथिंग गो रॉन्ग. सो दे आर टीमिंग अप to make sure that the medicines we need, they are always available, no matter what happens. So, COVID-19 ki baat batai thi na, so this alliance was created because during COVID-19 pandemic, there was shortage of certain medicines. Tabhi countries ne decide kiya ki chalo saath mein aate hain, ye dubara nahi ho, let's come together for that. To,
ये इसका कॉन्टेक्स्ट रहा है, ठीक है. तो दिस अलायंस वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक. रही बात ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन की, वेयर दिस अलायंस वॉज इनोग्रेटेड, इट इज अ प्रीमियर इवेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड सब आते हैं. दे रिप्रेजेंट द एंटायर बायोटेक इकोसिस्टम, फ्रॉम पब्लिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड बायोटेक स्टार्टअप्स टू एकेडमिया, नॉन प्रॉफिट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. मतलब ये सिर्फ बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ रही हैं साथ में, नहीं, इट इंक्लूड स्मॉल स्टार्टअप्स ऑल्सो, चैरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब एवरीवन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड रिसर्चिंग द मेडिसिन टू शेयर देयर आइडियाज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं. नरेंद्र मोदी स्वेयरिंग इन नेबरहुड फर्स्ट टू बी ऑन द शो नाउ. नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले, है ना. कुछ भी दिक्कत होती है, लाइट नहीं आ रही, पानी की दिक्कत है, घर में कोई भी परेशानी होती है, तो पहले चाचा मामा बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी आते हैं. वो कहते हैं ना, पड़ोसियों के साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखो, ठीक है. रिलेटिव्स तो बाद में आएंगे, पहले नेबर्स आते हैं. तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, दैट इज गाइडलाइंस, रूल गाइडलाइंस दैट शेप कि अच्छा हाउ इंडिया इंटरैक्ट्स विद इट्स नियर बाई कंट्रीज. कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल अपना ऐसे नेबर, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है. तो द मेन गोल इज टू मेक कनेक्शन स्ट्रॉन्गर. यू कैन डू इट बाय थ्री वेज, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी. फिजिकल एज इन इम्प्रूविंग रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल, फॉर गुड्स टू मूव बिटवीन द कंट्रीज. डिजिटल कनेक्टिविटी मतलब एनहैंसिंग द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू कनेक्ट ऑनलाइन. पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी मतलब वेयर इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, एडुकेशन, टूरिज्म. पीपल विल लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे विल बिल्ड फ्रेंडशिप्स. सो ये पॉलिसी कब ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी? 2008 में. और ये बहुत बड़ी बात है इंडियन गवर्नमेंट के लिए. इस पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतनी जरूरी है ये? देर आर वेरियस रीजन्स. पहला तो अपना चाइना को बैलेंस करने के लिए, आसपास की कंट्रीज के साथ टीम अप करेंगे तो इंडिया कैन बैलेंस आउट चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन एरिया. दूसरा, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं. व्हेन इंडिया वर्क्स क्लोजली विद इट्स नेबर्स, इट हेल्प्स देम टू स्पीक टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज. एक डेवलपिंग कंट्रीज की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के जाती है बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स में. फिर थर्ड वन, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है. It's crucial for India to work with neighboring countries to keep its borders safe, to deal with any threats also. Seas की आज हमने बात करी थी, High Seas Treaty. तो India needs to work with its neighbor to make sure that oceans around it are safe. Piracy, smuggling, इन चीज़ों को आप ऐसी problems को effectively tackle कर सकते हो अगर पड़ोसी साथ में है तो. श्रीलंका, Maldives, Bhutan, वो बांग्लादेश. एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया नीड्स टू वर्क विद इट्स नेबर्स टू मेक श्योर लाइक ऑयल एंड गैस दे आर कमिंग प्रॉपरली, दे आर गोइंग प्रॉपरली, दे आर कमिंग थ्रू सी रूट्स. नाउ अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जब हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ यू आर पार्टनरिंग तो इंडिया कैन हेल्प डेवलप इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ग्रोथ और ज्यादा होगी वहां, प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी. म्यांमार लगता है, भूटान लगता है, बांग्लादेश है, राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल टाइज, आपका हिस्ट्री. दिस इज योर सॉफ्ट पावर, बेस्ड ऑन योर कल्चर, बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री. इंडिया कैन इन्फ्लुएंस मेनी रीजन्स. तो इससे आपकी स्ट्रांग फ्रेंडशिप होती है विद योर नेबर्स, मेक योर रीजन सेफ, मोर स्टेबल, मोर प्रॉस्परस फॉर एवरीवन. अब दिक्कत क्या है? बेनिफिट्स हैं बट चैलेंजेस भी हैं. कंट्रीज के बीच में टेंशंस, डिसएग्रीमेंट्स अगर ये होता है तो इट मेक्स इट हार्ड टू वर्क टुगेदर. Sometimes it's tough to actually do things the policy suggests. मतलब building roads, setting up internet connections, ये तो ठीक है, लेकिन putting
प्लान्स इनटू एक्शंस, फिर वहां थोड़ा सा टफ हो जाता है काम. सी, नॉट ऑल द कंट्रीज इन द नेबरहुड दे आर इक्वली रिच और वेल डेवलप्ड. फिर यहां पर भी मतलब कि हाउ टू शेयर योर रिसोर्सेस, वर्क टुगेदर फेयरली. देर आर, मैं सिंपल टर्म में बता रही हूँ, दीज आर दी चैलेंजेस. तो क्या तीन चैलेंजेस हैं? जियो पॉलिटिकल टेंशंस लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इम्प्लीमेंटेशन इशूज ड्यू टू लॉजिस्टिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, देर इज डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूटिंग क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स. एंड थर्ड, आई एम समिंग इट अप, यू कैन राइट इट डाउन, जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इम्प्लीमेंटेशन इशूज एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज. देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच कैन अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉपरेशन, इट कैन अफेक्ट द बैलेंस. नाउ एज फार एज सक्सेस इज कंसर्न, सी बिमस्टेक है, अभी न्यूज में भी रहा है, सार्क है ना. तो ग्रुपिंग लाइक दीज प्ले अ वेरी मेजर रोल. सार्क में इंडिया हैज बीन अ की प्लेयर, बट यहां पर अगर मैं बात करूं, इट्स नॉट, इट हैज नॉट, मतलब इट हैजंट ऑलवेज बीन स्मूथ सेलिंग है बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नाउ कमिंग टू बिमस्टेक, इट इज सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क एंड अदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल. वी हैव वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है म्यांमार, इट विल लिंक इंडिया विद म्यांमार, राइट. छबार पोर्ट अभी हमने बात करी थी. देर आर प्रोजेक्ट लाइक BBI एन इनिशिएटिव, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल के बीच में बेटर कनेक्टिविटी हो, रोड्स एंड रेलवे. सो देर आर प्रोजेक्ट्स. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप अपने मेन्स के लिए यूज कर सकते हो, दैट आर दी बाइलिटरल टाइज. की जब मैं बात कर रही हूँ नेबर्स के साथ, तो आपका कितना किसके साथ बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ज्यादा. जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश और इंडिया हैव बीन क्लोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दे ट्रेड अ लॉट, मशीनरी में, टेक्सटाइल्स में, राइट, सेंडिंग मशीनरी एंड टेक्सटाइल्स इंडिया भेजता है. ये बांग्लादेश सेंडिंग गारमेंट्स, फिश ट्रेड वॉज वर्थ अबाउट बांग्लादेश के साथ 12.9 बिलियन डॉलर्स की. रही बात श्रीलंका की, रिसेंट ईयर्स में वी हैव ट्रेडेड लाइक 5.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है. इंडिया सेंडिंग मोस्टली थिंग्स लाइक पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स में, नेपाल में, नेपाल के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. नेपाल के साथ इंडिया शेयर ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप, राइट, डोमिनेटेड बाय इंडियन एक्सपोर्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी. 2023-24 की बात करूं, सो बाइलेटरल ट्रेड अमाउंटेड टू 7,871 मिलियन डॉलर्स, विच वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन एक्सपोर्ट्स. मालदीव्स, थोड़ी दिक्कतें आ गई थी यहां पे, राइट. तो बट हेयर ऑल्सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज गुड. सेशल्स, भूटान, भूटान की बात कर लेते हैं. एज फार एज भूटान इज कंसर्न्ड, इंडिया एंड भूटान आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. लॉट ऑफ ट्रेड, कल्चरल कनेक्शंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर इंडिया हेल्प भूटान, एंड द ट्रेड गुड्स वर्थ अबाउट 1.3 बिलियन डॉलर्स. ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. ना इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. आई टॉक अबाउट नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन मेक श्योर दैट यू क्रिएटेड योर नोट्स, शार्प वंस विद पॉइंटर्स, क्योंकि एट द एंड ये डेटा, ये फैक्ट्स काम आएंगे और पॉइंट्स काम आएंगे. ठीक है, तो डू राइट इट डाउन जब मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, तो इट विल हेल्प यू ओनली. तो फिर मिलेंगे विद अदर लेक्चर, विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेज. दिस इज योर मेंटर आरज़ू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.